हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कुणाल एंड यू आर वाचिंग कुणाल ब्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है, मैं इसमें बताने वाला हूँ अंडमान ट्रिप के बारे में। शुरू करते हैं पहले दिन से। पहला दिन मैं लैंड हुआ पोर्ट ब्लेयर में और वहाँ से एक दिन रहने के बाद मैं आया हैवलॉक आइलैंड पे। इसके बाद जाऊँगा मैं नील पे और वहाँ से फिर अगेन पोर्ट ब्लेयर। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ और ये जर्नी रही काफ़ी अमेजिंग और कैसे मैंने शुरू किया पहले दिन से और उसके बाद कैसा था ये बाकी जो आइलैंड अभी आप देख पा रहे हैं, राधानगर बीच बोलते हैं इसको। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है और एशिया में करीब विद इन 5 बीचेस में ये आता है, टॉप बीचेस में। पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, तो इसके लिए देखते रहिए ये ब्लॉग और कनेक्ट रहिए मेरे साथ इस पूरे ब्लॉग को देखने के लिए। ये है हमारा क्रूज जो हमें लेकर पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड तक जाएगा। इसका नाम है ग्रीन ओशन 1। ये हैवलॉक आइलैंड पहुँचने में लेगा 2 घंटे 30 मिनट। हम अभी चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे अंदर सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है। तो इस तरह से है ये लग्जरी क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको अपना होटल भी। तो फ्रेंड्स, ये पहुँच गए हैं हम अपने होटल में और ये है हैवलॉक आइलैंड पे हमारा बीच रिजॉर्ट। बीच रिजॉर्ट बुक करने का पर्पस ये था कि हम यहाँ स्टे करने वाले हैं 3 दिन तक और होटल होना चाहिए था काफ़ी कंफर्टेबल, तो ये बिल्कुल वैसा ही है और यहाँ के बालकनी से हमें बीच भी दिखाई देता है, तो मैं बालकनी का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा। हैवलॉक में राधानगर बीच एशिया के सबसे टॉप बीचेस में से एक है और यहाँ कालापत्थर बीच है जहाँ हम सनराइज देखने के लिए जाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि हैवलॉक के रोड्स कैसे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, तो आइए चलते हैं। ये है स्कूबा डाइव जो यहाँ हैवलॉक ट्रिप में बहुत फेमस है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें स्कूबा डाइव के स्टार्ट टू एंड सारे स्टेप्स होंगे। हैवलॉक में एक और आइलैंड है जिसे हम एलिफेंटा बीच कहते हैं। वहाँ हम हाई स्पीड बोट से जाते हैं और वहाँ पे सी वॉक और स्नोर्कलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। सी वॉक एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हम एक हेलमेट की सहायता से समुद्र के बिल्कुल निचले सतह तक जाते हैं और वहाँ जाके हम समुद्री लाइफ को देख सकते हैं। तो ये है वो सी वॉक का वीडियो जो आप देख सकते हैं। वह हमने किया स्नोर्कलिंग। स्नोर्कलिंग एक ऐसा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें हम समुद्र के सतह पर ही रहते हैं और सिर्फ अपना गर्दन इसके सहायता से नीचे हम देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं राधानगर बीच। मैंने एक एक्टिवा रेंट पे लिया है और यहाँ से निकलता हूँ ताकि फुल नेचर का व्यू हमें मिल सके और यहाँ के रोड्स को भी हम एंजॉय करके राधानगर बीच तक पहुँच सकें। हैवलॉक आइलैंड के बारे में बताऊँ तो इसका ऑफिशियल नेम जो अभी है वो 2018 में चेंज होकर स्वराज आइलैंड कर दिया गया है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का ये एक सबसे बड़ा आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था जिसे 2018 में बदल दिया गया। ये आइलैंड कई सारे छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है जिसकी वजह से 2004 की सुनामी में यहाँ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था और कैजुअल्टी तो एक भी नहीं हुई थी। अब हम पहुँचने वाले हैं राधानगर बीच पे और आपने देखा दुकानें। मैंने सोचा गाड़ी यहाँ पार्क कर लेता हूँ लेकिन यहाँ पार्किंग नहीं थी तो मैं साइड में पार्क कर लेता हूँ। हैवलॉक आइलैंड में जहाँ पे हम शिप से लैंड करते हैं वहाँ से इसका डिस्टेंस करीब 12 किलोमीटर है। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ राधानगर बीच कैसा है हैवलॉक आइलैंड का। टाइम मैगजीन ने इसे एशिया का बेस्ट बीच कहा है और वर्ल्ड का 7th बेस्ट बीच कहा है। सच में ये एक बहुत ही सुंदर बीच है और ब्लू वाटर और वाइट सैंड का कॉम्बिनेशन इसे बहुत ही सुंदर बनाता है। ये बीच चारों तरफ से ग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और सबसे मेन बात है कि इतना फेमस बीच होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। यहाँ पर आप शाम के 6:30 बजे तक रह सकते हैं और आसपास बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं होने की वजह से साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। यहाँ सिर्फ
इंडियन टूरिस्ट ही नहीं बल्कि फॉरेन से भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी मुझे यहाँ पे वो थी इसकी साफ सफाई और बहुत ही क्लीन और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। अंडमान ट्रिप बहुत फेमस होता जा रहा है सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी, क्योंकि अंडमान को जैसा कि एक अनटच्ड पैराडाइज बोलते हैं, यहाँ अभी तक बहुत सारे लोगों की पहुँच नहीं है और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और इस वजह से ये जगह काफ़ी साफ सुथरी है और लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र बनती जा रही है धीरे धीरे। इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पे अभी तक एक हेलीपैड है और जो कनेक्टिविटी है इसमें सिर्फ हम पोर्ट ब्लेयर से क्रूज़ की सहायता से यहाँ पे आ सकते हैं, तो कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप जाते हैं तो ये बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है और अपने आप में काफ़ी अमेजिंग ट्रिप होने वाला है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं काफ़ी सारे लोग अभी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे मोमेंट। अभी है शाम का टाइम और कल सुबह मैं चलूँगा यहाँ से, सनराइज देखेंगे हम लोग कालापत्थर बीच पे जाके, वो भी हैवलॉक आइलैंड में ही है, और इसके लिए मुझे सुबह निकलना होगा होटल से करीब 5 बजे और तब पहुँचूँगा मैं कालापत्थर बीच पे सुबह सुबह ताकि सनराइज़ देख सकूँ और रिकॉर्ड कर सकूँ अपने ब्लॉग के लिए भी। अभी हूँ मैं कालापत्थर बीच पे और हम लोग आए सुबह करीब 5 बजे यहाँ पे। हैवलॉक आइलैंड का कालापत्थर बीच है ये और फेमस है क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ होता है और सनराइज़ देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। हम लोग सुबह 5 बजे निकले रूम से और काफ़ी अंधेरा था उस टाइम, बिल्कुल ही हॉन्टेड जैसा रोड लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि काफ़ी अच्छा व्यू है और हमारा आना यहाँ पे वर्थ रहा सुबह के टाइम पे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कालापत्थर बीच कैसा दिखता है। ये कालापत्थर बीच सनराइज़ के लिए ही फेमस है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरे ट्रिप का बस एक पार्ट है, अभी और कई सारे अपलोड्स आने हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, और आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ये है मैक्रूज कंपनी की क्रूज बोट जिससे मैं जाने वाला हूँ नील आइलैंड, और ये स्टोरी मैं बताऊँगा अपने आने वाले अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टेड रहिए पूरी स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।